कौन सा तीन मुखी? त्रवक्त्रो यो ही रुद्राक्ष साक्षात् साधन दशदा तत्प्रभावात् भवेर्युर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। तीन मुखी रुद्राक्ष इतना बढ़िया है, इतना विशेष है, तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को रुद्राक्ष ब्रह्मा बना देता है, महापंडित बना देता है, विद्वान बना देता है। तीन मुखी रुद्राक्ष के पहनने से संपूर्ण विद्याएं चल के आती। मैंने अपने जीवन काल में बहुत पहना इसको। तीन मुखी रुद्राक्ष के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है, भारी विश्वास है। इसलिए भगवत कृपा से हमने लाखों लाखों लोगों को, बच्चों को, बेटियों को तीन मुखी रुद्राक्ष दिया। हर साल उज्जैन में होते हैं, अभिषेक करते हैं भगवान महादेव का तीन मुखी रुद्राक्ष। लाखों लाखों रुद्राक्ष, किसी से एक रुपया भी नहीं लिया, भक्तों को बांटा, बच्चों को दिया। तीन मुखी रुद्राक्ष की महिमा है, स्पष्ट वर्णन है, लिखा है तत्प्रभावात् भवेर युर्वई विद्या सर्वा प्रतिष्ठता, संपूर्ण विद्या चल करके आती है। तो आप कहोगे तो बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों को, लेकिन बच्चे आलस करते हैं, पढ़ने में प्रमाद करते हैं, नींद आ जाती है, मटरगस्ती करते हैं। ये तीन मुखी रुद्राक्ष है वो बुद्धि के संयम को बना करके रखती, इसका ये इतना बड़ा प्रभाव है। तीन मुखी रुद्राक्ष कंप्यूटर पर काम करने वाले लोगों के लिए, माथे में दर्द नहीं होता इससे, नहीं तो कभी कभी तो किताब उसलिए भी तो छोड़ दी जाती है, माथा दुखता है, माथे में दर्द होता है, बैठा जाता नहीं है। तो ये तीन मुखी रुद्राक्ष की ये महिमा है। कंप्यूटर पर जो काम करते हैं, ज्यादा पढ़ाई लिखाई का, जिनकी कलम ज्यादा चलती है, यानी जो मस्तिष्क से काम ज्यादा लेते हैं, माथे से जो ज्यादा काम लेते हैं, हम जैसे लोगों को तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करके रखना चाहिए। तो हम लोगों का दिमाग ज्यादा, दिमाग तो खाली बैठता ही कहाँ है, लगा ही रहता है। तो सीधी सी 100 बातों की बात है, तीन मुखी रुद्राक्ष मस्तिष्क की खुराक है। 100 बातों की एक बात है, तीन मुखी रुद्राक्ष मस्तिष्क की खुराक है। ये बहुत ज्यादा विशेष है, स्पष्ट लिखा है ना, इसकी महिमा में लिखा है तत्प्रभावात् भवेर्युर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। उसके पास विद्या चल के आ जाएगी, ब्रह्मा जैसा बहुत बड़ा वो पंडित बन जाएगा। इस रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। ओहो, तीन मुखी वाला जो रुद्राक्ष साक्षात सभी साधनों को प्रदान करता है, इसके उसके प्रभाव से सभी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। अकेला ये ही नहीं है कि सिर्फ कागजी ही उसको ज्ञान मिल जाए, जितनी भी धरती पर विद्याएं 64 विद्याएं, तीन मुखी रुद्राक्ष से व्यक्ति के पास संपूर्ण विद्याएं। हाँ, तो सर्वविद्या लिखी हुई है स्पष्ट इस श्लोक में, लिखा तत्प्रभाव भेदुर्वा विद्या सर्वा, जितनी भी विद्याएं वो सब चल के आ जाती है। एक हृदय से मैं बात बोल रहा हूं, वैसे तो एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष सिगरे अपने आप में बड़े प्रभावशाली हैं, लेकिन फिर भी मुझे तीन मुखी रुद्राक्ष तो शंकर के पास से आया हुआ धरती पर वरदान लगता है, इतना इसका प्रभाव है तीन मुखी रुद्राक्ष।